हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपने बताया था कि गूगल पे का क्यूआर कोड कैसे मंगवाया जाता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के आप वीडियो देख के अपना क्यूआर कोड मंगवा सकते हैं। तो मेरा क्यूआर कोड हम आ गया है, तो इसका हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। यहाँ मेरा दुकान का नाम आ गया है, यहाँ मेरा पूरा एड्रेस आ गया है। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले हम इसको फाड़ लेते हैं, यहाँ से इसको ये करते हैं, काटते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह मेरा क्यूआर कोड आया है। मेरा ये क्यूआर कोड बाई पोस्ट आया है, हो सकता है कि आपका बाई कुरियर आए या फिर ऐसे ही अगर पोस्ट ऑफिस में भी आ सकता है। तो मेरे यहाँ देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें तो पहले हमें नज़र आ रहा है कि दो यहाँ एक्सेप्टेड गूगल पे हियर, उसके बाद दो चिपकाने के लिए दिया है अपना वॉल में, दो गो है इसमें आप दीवार में अपना चिपका सकते हैं दुकान का, इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है इसको उखाड़ के आप चिपका सकते हैं, और साथ ही ये एक्सेप्टेड वाला इसको भी आप चिपका सकते हैं, ये भी दो गो दिया हुआ है, इसमें भी आप अगर दीवार है आपके इसमें तो दीवार में चिपका सकते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे इसमें क्या है। इसमें देखिए मुझे इसमें लगता है कि एक स्टैंड दिया गया है जो काफ़ी हैवी है, गूगल पे की तरफ से काफ़ी मजबूत दिया गया है, और इसमें एक इसका स्टैंड भी है, यहाँ इसको इस तरह रख सकते हैं हम इस तरह पहले यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसको लेंगे, यहाँ देखिए इसमें भी यहाँ पे इसी तरफ लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, और इसको इस तरह लिया करके यहाँ पे बैठा देंगे और देख लेंगे बढ़िया से। देखिए ये इस तरह बैठ गया, अब इस तरह इसको खड़ा करके रख देंगे और कस्टमर आएगा इसको स्कैन करेगा और पेमेंट कर सकता है। गूगल पे जो है फ़ोनपे और भारत पे और भीम पेटीएम ये सब के मुकाबले काफ़ी हैवी देता है वो अपना स्टैंड, जो काफ़ी मजबूत है। ये टाइल लगता है कि टाइल का बना हुआ ये स्टैंड है, बहुत ही मजबूत ये स्टैंड है और काफ़ी हैवी भी है। इसमें ये कस्टमर केयर का नंबर दिया गया, अगर हो सकता है आपका पेमेंट अगर फंस जाता है तो इसी नंबर पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं कि मेरा पेमेंट फंस गया है, अब मेरा पेमेंट को जल्द से जल्द ये किया जाए, रिफंड किया जाए, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप स्कैन करके रख देंगे, देखिए आपका यहाँ दुकान का नाम भी आएगा कॉमन सर्विस सेंटर, जब कस्टमर कोई भी स्कैन करेगा इसको तो वो कॉमन सर्विस सेंटर लिखा हुआ वहाँ पर आएगा। तो इसको आप गूगल पे पेटीएम फ़ोनपे किसी से भी इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।